पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को लागू किया है, उसमें अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन सभी को ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यापारी परेशान आ चुका है, जीएसटी में जो खामियां हैं उन्हें बहुत जल्द दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल काम करेगा और अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं का हल कराएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी कैंप लगाकर जिन व्यापारियों के अभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। दीपक अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द सरकार तक व्यापारियों की समस्याएं पहुंचाई जाएंगी और साथ ही जिन समस्याओं से व्यापारियों को जूझना पड़ रहा है उनसे अवगत कराया जाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग भी हमेशा देते रहे और उनसे ये आशा रखते हैं कि हमें भी वो पूर्ण रूप से व्यापारियों के हित के लिए हमें सहयोग दे। आपको व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुना गया है, व्यापारियों की क्या आपसे आकांक्षाएं हैं? लेकिन व्यापारियों की हमसे कई तरीके की मांगे हैं। देखिए, सेंट्रल भारत सरकार ने जीएसटी में जब जीएसटी लागू करा था तो दर रखी थी एक रेट एक दर। आज गवर्नमेंट उसमें फिर एवरमेंट कर रही है पहली जनवरी से, और व्यापारियों ने सबसे पहले कपड़ा जो रेडीमेड का व्यापार है उस पर सरकार 5% से बढ़ाकर 12% कर देंगे, तो कपड़ा व्यापारी जो है वो भी सरकार के अपने ज्ञापन के द्वारा अपनी बात रखना चाहते हैं। अन्य व्यापारी हैं जैसे सराफा ट्रेड है, सराफा ट्रेड में सराफा व्यवसायी का को 3% की जगह 5% प्रपोजल का गवर्नमेंट का प्रपोजल है, और अन्य जो और उद्योग हैं जैसे जूता उद्योग है और अन्य उद्योग हैं उस पर भी सरकार ने 5% की जगह 12% करने का सरकार का प्रावधान है। ये 1 जनवरी 2022 से ये सरकार इसको लागू करने की जा रही है। तो जितने ट्रेडों के भी व्यापारी हैं ये सब सरकार से अपनी बात कर रहे हैं। किस हिसाब से जीएसटी लगा रखी है, कहीं ना कहीं व्यापारियों को नाराज की है क्या? देखिए, व्यापारियों से नाराजगी तो देखिए अभी नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी हम ये निवेदन करेंगे। देखिए, एक जनता से व्यापारी से सरकार उतना टैक्स दे कि जितने में उसकी कमर न खुले। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश का जिला महामंत्री हूँ। आपको महामंत्री बनाया गया है व्यापार मंडल में, मतलब किस प्रकार से आप व्यापार मंडल का विस्तार करेंगे अपनी युवा शक्ति के द्वारा? हम युवा शक्ति के द्वारा अपने व्यापार मंडल को जिला मुरादाबाद तक पूरी एक एक कार्यकारिणी का नई नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। जो भी युवा कुछ नया करना चाहते हैं, नई सोच के साथ उभरना चाहते हैं, वो आइए मेरे से मिलिए, मैं उनकी सोच को आगे तक लेके जाऊंगा, उनको जो भी उनके दिमाग में नया है उसको आगे तक लेके जाऊंगा, ऑन ग्राउंड उसे परफॉर्म करवाऊंगा, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्य प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है कागजों की, उसे पूरा करवाने में उनकी पूरी हेल्प करूंगा, और न्यूनतम खर्चे के साथ उनके व्यापार को शुरुआत करने में पूरा सहयोग प्रदान करूंगा तन मन और धन से। मैं सभी व्यापारियों को जीएसटी के लिए अवगत कराना चाहता हूं। जीएसटी अच्छी कार्य प्रणाली है, सरकार द्वारा नियुक्त करी हुई। आप लोग जो जो व्यापारी जीएसटी से घबरा रहे हैं, घबराइए बिल्कुल नहीं, हमसे आके मिलिए, हम आपको जीएसटी में आने वाली अड़चनों को खत्म करने में सहयोग प्रदान करेंगे। हमने अपनी कमेटी में 2 एडवोकेट को जो जिनका मेन काम जीएसटी का ही है उन्हें हमने नियुक्त किया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।